नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। पिछले कई सालों से पृथक बुंदेलखंड निर्माण की मांग अपनी चरम सीमा पर है। आप सभी जनपद वासियों और क्षेत्र वासियों के लिए नूतन वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक सौरभ लोधी, पूर्व प्रधान। लेकिन केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी सरकार द्वारा किए गए वादों के अनुसार अब तक पृथक बुंदेलखंड राज्य की घोषणा नहीं की गई है। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा लगातार प्रयत्नशील है और सरकार को उनके वादों को याद दिलाने के लिए कभी अनशन कर रहा है तो कभी वाहन रैलियां निकालकर प्रशासन को ज्ञापन दे रहा है। बुधवार को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में तथा जगदीश तिवारी एवं रणवीर सिंह राजावत के संयोजन में एक विशाल वाहन रैली झांसी से निकाली गई, जिसमें बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और ओरछा पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां की जनता से वादा किया था कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार बनने पर वे अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही यह भी मांग की गई कि हम बुंदेलियों का सौभाग्य है कि स्वयं श्री राम बुंदेलखंड की भूमि पर राजा के रूप में विराजे हैं, जहां उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसलिए जब भी बुंदेलखंड राज बने तो इसकी राजधानी ओरछा में बनाई जाए। वाहन रैली के अंत में सभी का आभार राम अवतार तोमर ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ मोहम्मद मौसम की रिपोर्ट। जो कथनी और करनी में अंतर करते हैं, जो कह के भाग जाते हैं, इनको सद्बुद्धि दो प्रभु, जो इन्होंने कहा है उसको पूरा कराओ। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जहां राजा राम प्रभु राजा के रूप में विराजे हैं, राजधानी ओरछा ही बनाई जाए। बिना ओरछा राजधानी बनाए बुंदेलखंड का स्वरूप ना स्वीकार था, ना स्वीकार है और ना स्वीकार रहेगा। बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, जैसे दोगे वैसे देंगे। प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड को राज बनाओ और ओरछा को राजधानी बनाओ। छह साल पहले जो मांग उठाई गई थी आप लोगों ने, तब आज एकदम से अचानक से याद क्यों आई? ये हर महीने 30 तारीख को सरकार 30 तारीख को बनी थी, तो शुरू से लेके अभी तक हर महीने की 30 तारीख को हम लोग ज्ञापन देते आए हैं। आज झांसी की जगह ये ज्ञापन हम ओरछा दे रहे हैं, अगला ज्ञापन हम लोग दतिया देंगे, उसके अगला ज्ञापन हम लोग निवाड़ी देंगे। अब हर 30 तारीख को जो ज्ञापन देने का हमारा क्रम था, वो अब जिले जिले जो हमारे बुंदेलखंड के हैं, सब जगह जाके ज्ञापन दिया जाएगा। ये ना तब से हम लोग बैठे थे, 56 पुतले हम लोग इनके फूंक चुके हैं, उसके बाद भी इनके कान पे जू नहीं गिराए। बुंदेलखंड असल में दो राज्यों से मिलकर बनता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो इससे थोड़ा सा असहमत दिखते हैं, तो आप किस तरह से लोगों को मनाएंगे, किस तरह से बुंदेलखंड राज्य के बनने के बाद क्या फायदे रहेंगे, इसके कैसे समझाएंगे लोगों को? मध्य प्रदेश के लोग पहले आगे हैं, हम लोग उनके पीछे हैं। आप देखिए हमारे सांसद जिनकी डेथ हो गई अभी टीकमगढ़ के, क्या नाम था, नायक जी, विठल भाई जी, आपके ब्रजेंद्र राठौर साहब, कुसमुड़िया जी, मानवेन जी, राजा पन्ना, ये सारे राजा बसारी, मुन्ना राजा बसारी, ये बेबी राजा, ये सारे के सारे बुंदेलखंड राज निर्माण की बात करते आए, तो हम ये कैसे मान लें कि मध्य प्रदेश हमारे साथ नहीं है? अब बात सिर्फ ये आती है कि अगर बुंदेलखंड बनेगा तो बुंदेलखंड में ऊपर से नीचे तक, मंत्री से लेके संतरी तक, सब बुंदेलखंड का होगा। जितने भी व्यवसाय होंगे, जितने भी कारखाने लगेंगे, जिसमें नियुक्ति बुंदेलखंडियों की होगी, तो हर हाथ को कारण मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा आपको कि कोई भी घर बिना कार के नहीं रुक पाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चुनावी जो वादे करके भाग जाते हैं, अब हम उनको भागने नहीं देंगे। अब हम लोगों ने भी एक निर्णय ले लिया है कि जो बुंदेलखंड, अखंड बुंदेलखंड के जितने भी सांसद, विधायक, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।